Hello friends, and welcome back to Chiki's Biology, another video tutorial. In this video tutorial, I am going to discuss about tuberculosis. आज हम लोग बात करेंगे tuberculosis के बारे में और बहुत सारे students, बहुत सारे followers, बहुत सारे subscribers की ये request थी कि सर tuberculosis के बारे में कुछ बताइए. तो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है. अगर आप लोगों को पूरी मूल नॉलेज को यहाँ पे गेन करना है रिगार्डिंग ट्यूबरक्लोसिस. तो फ्रेंड्स, जो ट्यूबरक्लोसिस है ये एक डिजीज है और ये डिजीज जो कॉज करता है वो बैक्टीरिया करता है और बैक्टीरिया का जो नेम है वो है माइकोबैक्टीरियम. ठीक है, माइकोबैक्टीरियम जो है ये ग्राम पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ग्राम नेगेटिव भी हो सकते हैं. और जो ट्यूबरक्लोसिस डिजीज है ये लंग्स में भी हो सकती है और बोन्स में भी हो सकती है या अदर पार्ट्स में भी हो सकती है बॉडी के. तो आज हम अपनी इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे लंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि लंग्स में ये डिजीज कैसे होती है. और हम आज सभी जो इम्पोर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट्स जुड़े हैं इस डिजीज के साथ में वो भी हम अपनी इस वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. जैसे जो माइकोबैक्टीरियम है, माइकोबैक्टीरियम हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू हमारे लंग्स में आता है और ये हमारे लंग्स में जो एल्वोलाई स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं उन एल्वोलाई स्ट्रक्चर्स में ये फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आता है. ठीक है, एल्वोलाई स्ट्रक्चर्स में ये आता है और एल्वोलाई स्ट्रक्चर्स में पहले से ही हमारी जो एल्वोलाई मैक्रोफेज सेल्स होती हैं वो प्रेजेंट रहती हैं और एल्वोलाई मैक्रोफेज सेल्स जो होती हैं वो इस माइकोबैक्टीरियम को यहाँ पे फर्स्ट फेस करती हैं. ठीक है, तो क्या उन मैक्रोफेज सेल्स का क्या फर्स्ट यहाँ पे एक्शन होता है ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. बट आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो मैक्रोफेज सेल्स होती हैं वो एक तरह से जो भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आता है उसके एलिमिनेशन के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल होती है या उसके अगेंस्ट भी वो एक्टिवेट होती है. ठीक है, तो मैक्रोफेज सेल्स जो होती है, एल्वोलाई मैक्रोफेज सेल्स जो होती है उनका क्या एक्शन होता है इस माइकोबैक्टीरियम के अगेंस्ट ये हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे. तो जैसे माइकोबैक्टीरियम आया मैक्रोफेज के पास में तो मैक्रोफेज जो सेल्स हैं वो इसको डिटेक्ट करती हैं बाय द हेल्प ऑफ C3b रिसेप्टर और मेनन रिसेप्टर और PR यानी पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स. ठीक है, इन सभी जो हमारे थ्री यहाँ पे मैकेनिज्म है इन थ्री मैकेनिज्म के थ्रू जो एल्वोलाई मैक्रोफेज सेल है वो इस माइकोबैक्टीरियम को डिटेक्ट करती है फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, इनमें से इन थ्री मैकेनिज्म में से किसी एक मैकेनिज्म को यूज करती है पर उसके पास में थ्री मैकेनिज्म यहाँ पे पहले से ही प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं जिसे मैंने आप लोगों को बताया C3b रिसेप्टर के थ्रू इसको डिटेक्ट करती है या इसको एनालाइज करती है और PRN के थ्रू करती है पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल और मेनन रिसेप्टर के थ्रू. तो माइकोबैक्टीरियम जो है माइकोबैक्टीरियम के पास में इसकी सेल सरफेस पर मैनोज प्रेजेंट होता है और इसी मैनोज की हेल्प से जो मेनन रिसेप्टर है इस मेनन रिसेप्टर के साथ में ये माइकोबैक्टीरियम यहाँ पे एक तरह से इसकी बाइंडिंग यहाँ पे होती है. ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं कि जो मैक्रोफेज है मैक्रोफेज अपने इन थ्री मैकेनिज्म में से किसी एक मैकेनिज्म को यूज करके इस माइकोबैक्टीरियम को अपने फैगोसोम के अंदर यहाँ पे लेके जाती है और फैगोसोम के अंदर ये यहाँ पे चला जाता है. मैक्रोफेज के पास में फैगोसोम अंदर होता है मैक्रोफेज सेल के और इस मैक्रोफेज सेल के अंदर जो हमारी एल्वोलाई मैक्रोफेज सेल है इसके अंदर हमारा लाइसोसोम भी होता है. ये हमारे एक तरह से हमारे इस सेल के सेल ऑर्गेनेल भी आप लोग इनको मान सकते हैं. तो जो लाइसोसोम है लाइसोसोम के पास में हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं SCHCL होता है प्रोटीएज एंजाइम होते हैं लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं. तो ये सभी जो यहाँ पे फैक्टर हैं ये सभी के सभी एक तरह से फॉरेन पार्टिकल के एलिमिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और जो हमारा माइकोबैक्टीरियम है वो एक तरह का फॉरेन पार्टिकल ही है जो हमारे लंग्स में या हमारी बॉडी का जो हमारा ऑर्गन है एक तरह से जो हमारे लंग्स है उनमें वो एंटर कर गए. तो उनके एलिमिनेशन के लिए ये मैक्रोफेज सेल जो है ये
रखती है जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम में रखती है हाइड्रोलेज एंजाइम HCl प्रोटीएज और लाइसोजाइम। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या होता है कि लाइसोसोम और जो फैगोसोम है जो हमारी मैक्रोफेज सेल के एक तरह से ऑर्गन में उनको बोल रहा हूँ ऑर्गनी है। ठीक है, तो इनकी जो एक तरह से असेंबली है यानी लाइसोसोम और जो फैगोसोम की असेंबली है वो होना यहाँ पे बहुत जरूरी है अगर हम लोगों को एलिमिनेट करना है माइकोबैक्टीरियम को। ठीक है, बट माइकोबैक्टीरियम के पास में माइकोबैक्टीरियम जो है वो एक तरह से मैनिपुलेशन कर देता है। ठीक है, मैनिपुलेशन कर देता है पीएच में और कुछ प्रोटीन्स में, और वो जो प्रोटीन्स हैं जिन प्रोटीन्स में ये माइकोबैक्टीरियम यहाँ पे आने के बाद मैनिपुलेशन करता है, इस मैक्रोफेज सेल में आने के बाद मैनिपुलेशन करता है, वो प्रोटीन्स एक तरह से रिस्पॉन्सिबल होती है असेंबली के लिए। किसकी असेंबली के लिए? इस लाइसोसोम और इस फैगोसोम की असेंबली के लिए। ठीक है, ये सभी प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल होती है और जो माइकोबैक्टीरियम है माइकोबैक्टीरियम इन सभी प्रोटीन्स को यहाँ पे इनहिबिट एक तरह से कर देता है और पीएच को भी यहाँ पे मेंटेन नहीं होने देता है, जिससे कि इस लाइसोसोम और इस फैगोसोम की असेंबली यहाँ पे इनहिबिट हो जाती है। तो यहाँ पे ये एक तरह से गुड फैक्टर है माइकोबैक्टीरियम के सर्वाइवल के लिए और माइकोबैक्टीरियम यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है क्योंकि फैगोसोम और लाइसोसोम की जब तक असेंबली नहीं होगी तब तक यहाँ पे कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन जनरेट नहीं होगी इस माइकोबैक्टीरियम के लिए जो इस फैगोसोम इस फैगोसोम के अंदर यहाँ पे आ चुका है या प्रेजेंट है। तो ये बात हो गई हमारी एक स्टोरी की। ठीक है, अब जैसे ब्लॉकिंग हो गई है, ठीक है, ब्लॉकिंग हो गई है असेंबली की, ये असेंबली जो फैगोसोम और लाइसोसोम की जो असेंबली थी जब उसकी ब्लॉकिंग हो गई है तो अब क्या होता है, अब क्या करता है माइकोबैक्टीरियम यहाँ पे इस मैक्रोफेज सेल के फैगोसोम के अंदर। ठीक है, तो ये क्या करता है कि यहाँ पे अब रिप्लिकेशन होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे अब रिप्लिकेशन यहाँ पे होगा, माइकोबैक्टीरियम रिप्लिकेट इन एल्वोलाई एंड इनसाइड मैक्रोफेज सेल। ठीक है, इनसाइड मैक्रोफेज सेल आफ्टर रिप्लिकेशन के बाद क्या होता है, जब रिप्लिकेशन हो जाता है इस माइकोबैक्टीरियम का एल्वोलाई में और माइक्रोफेज सेल के इनसाइड, ठीक है, तो ये फिर जाता है गोज इनटू इंटेस्टाइन इंटेस्टाइनल फ्लूइड या इंटेस्टाइन फ्लूइड एंड ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, स्प्रेड द इन्फेक्शन और ये फिर इन्फेक्शन को स्प्रेड एक तरह से करता है, इन्फेक्शन को एक तरह से वहां पे फैलाता है। तो ये बात हो गई एक स्टोरी की। अब हम लोग बात करते हैं एक और यहाँ पे स्टोरी है, एक नेक्स्ट स्टोरी की हम लोग बात करते हैं कि आगे क्या यहाँ पे होने वाला है। तो आप लोगों को आगे भी ध्यान से समझना है, आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है। तो ये जो मैक्रोफेज सेल है, जो हमारी एल्वोलाई मैक्रोफेज सेल है, ठीक है, ये क्या करती है, जब इसका ये वाला मैकेनिज्म यहाँ पे एक तरह से फेल हो गया तो ये क्या करती है, सेकेंड मैकेनिज्म अपना इस माइकोबैक्टीरियम को एलिमिनेशन, इस माइकोबैक्टीरियम के एलिमिनेशन के लिए अपना सेकेंड यहाँ पे एक तरह से अपना प्रोसेस स्टार्ट करती है। आफ्टर फेलिंग जब ये हमारा ये वाला प्रोसेस फेल हो जाता है तो एक नया यहाँ पे हमारा मैकेनिज्म या हमारा एक नया प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होता है इस मैक्रोफेज सेल के थ्रू। ये मैक्रोफेज सेल क्या करती है, इस जो ये माइकोबैक्टीरियम था इस माइकोबैक्टीरियम को स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में यहाँ पे कन्वर्ट कर देती है, या आप लोग स्मॉल स्मॉल एंटीजन भी समझ सकते हैं, और कुछ माइकोबैक्टीरियम को एज इट इज भी रहने देती है, और इनको जो स्मॉल एंटीजन थे माइकोबैक्टीरियम के और जो एक तरह से फुल सेल थी माइकोबैक्टीरियम की, इन सेल को और इन एंटीजन को ये लेके जाती है लिम्फ नोड में। ठीक है, लिम्फ नोड में आफ्टर जब ये वाला मैकेनिज्म हमारा यहाँ पे फेल हो जाता है, ठीक है, तो लिम्फ नोड में लेके जाती है और आफ्टर थ्री वीक टाइम के बाद में, ठीक है, तो लिम्फ नोड में आप लोग जानते हैं बी सेल और टी सेल प्रेजेंट रहती है। ठीक है, बी सेल और टी सेल यहाँ पे पहले से प्रेजेंट रहती है लिम्फ नोड में। तो क्या होता है, जो मैक्रोफेज सेल है, मैक्रोफेज यहाँ पे आ गए लिम्फ नोड में, तो यहाँ पे बी सेल और टी सेल हमारी रहती हैं और मैक्रोफेज सेल जो है ये एंटीजन को लेके यहाँ पे आएगी, जो माइकोबैक्टीरियम का एंटीजन है, तो ये एमएससी टू के थ्रू मैक्रोफेज जो है
मैक्रोफेज जो सेल है वो एक तरह की एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी है, वो एंटीजन को प्रेजेंट भी कर सकती है। तो ये मैक्रोफेज जो है यहाँ पे इस माइक्रोबैक्टीरियम के एंटीजन को प्रेजेंट करती है टी सेल को। टी सेल भी हमारी दो तरह की होती है, एक हमारी टीसी सेल और एक हमारी होती है टीएच सेल, ठीक है। तो ये यहाँ पे टीएच सेल को इसको प्रेजेंट करती है, और टीएच सेल को हम लोग बोलते हैं इन अदर वर्ड्स CD4+, यानी CD4+ भी हम लोग इनको बोलते हैं, CD4+ सेल्स भी हम लोग इनको बोलते हैं, इम्यूनोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो क्या होता है फ्रेंड्स की जो MSC2 है, MSC2 के थ्रू जब ये मैक्रोफेज सेल इस टीएच सेल को रिप्रेजेंट करती है इस माइक्रोबैक्टीरियम के एंटीजन को, तो ये मैक्रोफेज सेल जो है इंटरल्यूकिन 12 यहाँ पे रिलीज करती है, ठीक है। इंटरल्यूकिन 12 जो है ये हमारे एक तरह के इम्यून रेगुलेटर होते हैं, ठीक है, सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इंटरल्यूकिन 12 जो है ये टीएच सेल के इंटरल्यूकिन रिसेप्टर के साथ में यहाँ पे जाके बाइंड हो जाता है। तो जब ये इसके साथ में बाइंड होता है टीएच सेल के इंटरल्यूकिन रिसेप्टर के साथ में इंटरल्यूकिन 12, तो ये इंटरल्यूकिन 2 को यहाँ पे रिलीज करती है सेल, ठीक है, इंटरल्यूकिन 2 को रिलीज करती है जब ये इंटरल्यूकिन 12 यहाँ पे बाइंड हो जाता है इस इंटरल्यूकिन रिसेप्टर के साथ। तो फर्दर क्या होता है, ये जो सेल है टीएच सेल, ये इंटरल्यूकिन 2 को यहाँ पे एक तरह से रिलीज करती है, और ये इंटरल्यूकिन 2 जो है इसी टीएच सेल के इंटरल्यूकिन रिसेप्टर के साथ में बाइंड होता है, और फर्दर इसी टीएच सेल में यहाँ पे चेंजेस होते हैं। तो ये जो चेंजेस होते हैं ये क्या होता है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन एंड प्रोलिफेरेशन ऑफ टीएच सेल, ठीक है, यहाँ पे एक्टिवेशन एंड प्रोलिफेरेशन होता है टीएच सेल का, ठीक है। अब टीएच सेल जो होगी वो यहाँ पे एक्टिवेट होगी और प्रोलिफेरेट होगी, ठीक है। तो जब ये टीएच सेल यहाँ पे एक्टिवेट और प्रोलिफेरेट होगी तो ये क्या करेगी, रिलीज करेगी IFN गामा को। अब IFN गामा जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, ये भी हमारा एक तरह का हमारा इंटरल्यूकिन है, ये रिस्पॉन्सिबल है एक्टिवेट मैक्रोफेज, ठीक है, एक्टिवेट मैक्रोफेज, इस मैक्रोफेज के एक्टिवेशन के लिए ये यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये मैक्रोफेज है ये हमारी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी इससे IFN गामा से, ठीक है। तो अब जब ये एक्टिवेट हो गई हमारी ये मैक्रोफेज सेल, ठीक है, एल्कलाइन मैक्रोफेज सेल, तो ये क्या करेगी, ये रिलीज करेगी नाइट्रिक ऑक्साइड इंटरल्यूकिन 1 और रोस यानी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को, और ये एक तरह से यहाँ पे रिलीज करेगी कीमोकाइंस को, ठीक है। कीमोकाइंस को हम लोग कीमो अट्रैक्टेंस भी बोलते हैं, और ये भी हमारे एक तरह के इम्यून रेगुलेटरी होते हैं, इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इसको आप लोगों को यहाँ पे एक मिनट के लिए भूल जाना है, इंटरल्यूकिन 1 को भी आप लोगों को भूल जाना है, रोस को भी आप लोगों को भूल जाना है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को भी आप लोगों को भूल जाना है, क्योंकि इनके बारे में हम लोग यहाँ पे अभी बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ अपना जो हमारे यहाँ पे फोर्थ फैक्टर है कीमोकाइंस, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स नाइट्रिक ऑक्साइड जो है इस मैक्रोफेज सेल ने यहाँ पे रिलीज किया, ठीक है, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड भी इस माइक्रोबैक्टीरियम के एलिमिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, होता है, और इंटरल्यूकिन 1 भी होता है इसके अगेंस्ट में, ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम के अगेंस्ट में ये भी एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड कराता है, और रोस भी एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड कराता है बॉडी को, ठीक है, इस माइक्रोबैक्टीरियम के अगेंस्ट, और ये कीमोकाइंस भी इस माइक्रोबैक्टीरियम के अगेंस्ट बॉडी को एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड कराती है। तो हम लोग बात करते हैं इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 1 जो है रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि जिस भी एक पर्टिकुलर पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस डिजीज होती है तो उसका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा होता है, ठीक है। तो क्यों होता है वो इसी पॉइंट के साथ में यहाँ पे जुड़ा है, क्योंकि इंटरल्यूकिन 1 जो है ये जब अगेंस्ट एक्टिवेट होता है माइकोबैक्टीरियम के तो स्टार्ट फीवर एंड इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर फॉर एलिमिनेशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कीमोकाइंस की, आप लोग यहाँ पे भूल जाइए अभी नाइट्रिक ऑक्साइड इंटरल्यूकिन 1 और रोस, हम लोग बात करेंगे ओनली सिर्फ अभी कीमोकाइंस की। तो कीमोकाइंस हमारे कीमो अट्रैक्टेंट्स हैं, और
कीमोटर किस्सा अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल अभी लें तो ये हम लोग ले रहे हैं टीएनएफ, ठीक है। टीएनएफ को हम लोग बोलते हैं ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे कीमो टाइम्स के रेफरेंस में टीएनएफ को हम लोग यहाँ पे टीएनएफ के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो टीएनएफ जो होता है ये जाता है ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में जाता है और एक तरह का इम्यून रेगुलेटर है, ठीक है, एक तरह का मैसेंजर आप लोग इसको मान सकते हैं। तो ये मैसेज देता है टी सेल को और बी सेल को कि माइकोबैक्टीरियम का एक तरह से इन्फेक्शन हुआ है एल्वोलाई में और सभी सेल्स को वहां पे चलना है या सभी सेल्स को वहां पे पहुंचना है और इम्यून सिस्टम एक तरह से या डिफेंस मैकेनिज्म एक तरह से वहां पे प्रोवाइड कराना है और वहां पे माइकोबैक्टीरियम के अगेंस्ट जो है वहां पे फाइट करनी है, ठीक है। तो ये सभी जो सेल्स होती है बी सेल और टी सेल्स, ये सभी की सभी सेल्स जो है ये पहुंचती है साइट ऑफ इन्फेक्शन पे या जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है यहाँ पे एल्वोलाई में, ठीक है, एल्वोलाई में यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है। तो ये सभी सेल्स यहाँ पे पहुंचती हैं और जैसे ही यहाँ पे पहुंचती हैं तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती हैं जिस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ग्रेनुलोमा, ठीक। ग्रेनुलोमा जो है एक तरह की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है या एक तरह की आप लोग इसको मान सकते हैं कि ये बनी होती है स्ट्रक्चर बहुत सारी सेल्स की, ठीक है, जैसे कि लाइक टी सेल, मैक्रोफेज सेल, ठीक है, एंडोथेलियल सेल या पोसाइड मोनोसाइट्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये होता है ग्रेनुलोमा। तो ग्रेनुलोमा जब फॉर्म हो जाता है ये आप लोग मान सकते हैं यहाँ पे ग्रेनुलोमा फॉर्म हो गया है, ठीक है। ग्रेनुलोमा जो फॉर्म होता है वो एल्वोलाई में ही यहाँ पे एल्वोलाई में ही एक फॉर्म होता है, ठीक है, ग्रेनुलोमा। और इसमें इसके फॉर्मेशन में बहुत सारी सेल्स जो होती हैं पार्टिसिपेट करती हैं जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। और ग्रेनुलोमा जो फॉर्म होता है टी सेल से फॉर्म होता है, मैक्रोफेज सेल से फॉर्म होता है, एंडोथेलियल सेल से फॉर्म होता है, मोनोसाइट से फॉर्म होता है। अब ग्रेनुलोमा जो हमारा फॉर्म हुआ है ये क्या करता है कि यहाँ पे बहुत सारी सेल्स जो है ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन में जो पार्टिसिपेट किया है जिन सेल्स ने, वो बहुत सारी सेल्स जो है उन सेल्स में यहाँ पे डैमेजेस होते हैं कुछ और कुछ सेल यहाँ पे बर्स्ट हो जाती है, ठीक है, और रिलीज करती है फैटी एसिड्स को, ठीक है। और फैटी एसिड्स जो है आप लोग जानते हैं फैटी एसिड्स जो है वो हमारे एक तरह से एसिड्स हैं, तो एसिड्स जो होते हैं वो पीएच को यहाँ पे डिक्रीज करते हैं। तो जो पीएच में जो डिक्रीमेंट हुआ है, पीएच जो एसिडिक हुआ है, ठीक है, पीएच जो लो हुआ है वो एक तरह से अनफेवरेबल होता है माइकोबैक्टीरियम के लिए, ठीक है। तो माइकोबैक्टीरियम यहाँ पे अब सर्वाइव नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ का जो पीएच हो गया है वो एसिडिक हो गया है और वो एसिडिक जो पीएच हुआ है वो इन फैटी एसिड्स की वजह से ही हुआ है, ठीक है। और इन फैटी एसिड्स को किसने रिलीज किया, यहाँ पे जो हमारी सेल्स हैं, ठीक है, जो ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन में जो हमारी सेल्स इन्वॉल्व हैं उन सभी सेल्स ने इन फैटी एसिड्स को यहाँ पे रिलीज किया है और ये फैटी एसिड्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल है एलिमिनेशन के लिए माइकोबैक्टीरियम के जो यहाँ पे एल्वोलाई में प्रेजेंट है। तो पूरा का पूरा ये हमारा यहाँ पे मैकेनिज्म है कि कैसे कैसे जो माइकोबैक्टीरियम है वो हमारी बॉडी में एंटर करता है और उसको कैसे कैसे हम लोग एलिमिनेट करते हैं या कौन कौन सी सेल्स वहां पे एक्टिवेट होती हैं और कौन कौन से मैकेनिज्म यहाँ पे ऑपरेट होते हैं। जब ये वाला एक तरह से प्रोसेस हमारा फेल हो जाता है तो हमारा ये वाला नेक्स्ट जो मैंने आप लोगों को बताया ये वाला प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है और ऐसे ऐसे हमारी जो सेल्स हैं या जो हमारे इम्यून सिस्टम है वो ऐसे ऐसे उस माइकोबैक्टीरियम के अगेंस्ट यहाँ पे एक्टिवेट होता है। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और आप लोग मेरे साथ में चिकीज बायोलॉजी के ऑफिशियल फेसबुक पेज के साथ में भी जुड़ सकते हैं और आप लोग मेरे साथ में चिकीज बायोलॉजी के इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ में भी जुड़ सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को फ्यूचर में ऐसी वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।